जदयू की ओर से दिए गए इफ्तार पार्टी की हम बात करेंगे। जदयू की ओर से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन है और इफ्तार पार्टी हज भवन में आयोजित की गई है और इस हज भवन में तमाम लोग जो हैं उनको बुलाया गया है और लालू परिवार को भी खास तौर पर न्योता इस इफ्तार पार्टी में आने के लिए दिया गया। ये बड़ा अहम है क्योंकि इससे पहले शुक्रवार को जब इफ्तार पार्टी आयोजित थी तो उसमें राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी थी और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे और विपक्ष के कई लोग वहां शामिल हुए थे। हालांकि जदयू से केवल नीतीश कुमार थे, लेकिन आज हज भवन में जो ये पार्टी है इफ्तार पार्टी उसमें लालू परिवार को खासतौर पर आमंत्रण दिया गया है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और इस शामिल होने के बाद सियासत के नज़र से नहीं देखने की बात कही जा रही है, लेकिन सियासत तो निश्चित तौर पर होगी क्योंकि ये सियासत जरूर होती है। और हमारे साथ अविनीश हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से सीधे उनके पास चलेंगे। अविनीश, आप इस वक्त वहां पर हैं, ये पार्टी हो रही है इफ्तार पार्टी, कौन कौन से लोग आ रहे हैं और क्या बताया जा रहा है आरजेडी से, कौन कौन लोगों के आने की संभावना है? नहीं बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये जेडीयू के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। लगातार पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी के तमाम कद्दावर नेताओं का जुटान होगा, जिसमें नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के भी आने की संभावना है। तो जो तमाम लोगों को उम्मीद है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं इफ्तार पार्टी के समय का कि कब तमाम लोग आएंगे, पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो की गई है। ये बताइए कि आज जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, कितनी खुशी है, कौन कौन लोग आएंगे इस इफ्तार पार्टी में? देखिए, बहुत मुकद्दस महीना मोतबर रात है आज। इस दिन को हम लोगों ने जो इफ्तार पार्टी किया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है और ये भाईचारगी का पैगाम जाएगा। आज दावत पर दावत इफ्तार में सारे पार्टी के लोग, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, सब लोगों को दावत दी गई, सब लोग आएंगे। कितनी खुशी है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव की भी आने की सूचना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जुटान होगा, एक मंच पर तमाम लोग जुटेंगे, कितनी खुशी है इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक बातें अलग है, ये ऐसा मसला है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम है वो दिखाने का ये है, तो यहाँ पे राजनीतिक कोई बातें नहीं है। यहाँ पे हम चाहते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में अमन चैन हो, एक सौहार्द का वातावरण बने और ये माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और जो भी सारे विपक्ष के लोग और सारे लोग जो मिल रहे हैं उसका एक ही मकसद है, एक भाईचारे का माहौल पूरे देश में हो। तेजस्वी यादव का भी आगमन होगा तो लगता है कि एक बार फिर तमाम नेता एक मंच पे दिखेंगे, खुशी दुगुनी हो गई। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर वो आते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है कि सभी दल के लोग, पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग सभी यहाँ पे एक साथ बैठ रहे हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से न देखा जाए। बिल्कुल, देखिए तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये मुख्य जगह की तस्वीर है जहाँ पर तमाम जो है पार्टी के बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ बैठेंगे और जो उम्मीद है, तमाम लोगों को भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार भी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे, तो एक बार फिर आरजेडी के इफ्तार के बाद एक बार फिर जेडीयू के इफ्तार पार्टी का आयोजन है और इसमें जेडीयू के नेताओं के साथ साथ आरजेडी के भी कई नेता के चेहरे इस इफ्तार पार्टी में देखने को मिलेंगे। तो सभी लोगों को की निगाहें भी आज के जेडीयू के इफ्तार पार्टी की ओर है और देखिए तमाम जो पार्टी के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, वो बैठे हुए हैं और ये मुख्य जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ तमाम बड़े नेता यहाँ पर बैठेंगे। और देखिए सबसे खास बात यह है कि ये पाक महीना है और आज के दिन इस महीने में लोग इबादत करते हैं और इसी को लेकर जेडीयू की भी ये कोशिश है कि आज के दिन को खास मनाया जाए, ये इफ्तार के माध्यम से तमाम लोगों को बुलाया जाए, यहाँ पर तमाम लोगों का जुटान भी होगा। देखिए लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आज राजनीति नहीं लेकिन एक आपसी सौहार्द के साथ लोग आ रहे हैं और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये इफ्तार पार्टी अपने आप में खास है, आज का दिन अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी न्योता दिया गया है आरजेडी। चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनीश आपका। अविनीश हमारे संवाददाता हज भवन से इस वक्त जुड़े थे और दिखा रहे थे तस्वीरें, वहां के तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये इफ्तार पार्टी के बहाने सियासत भी आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी इफ्तार पार्टी के बहाने ही बिहार में खूब सियासत हुई थी, सीएम नीतीश कुमार वहां शामिल हुए थे राबड़ी आवास पर, आज तेजस्वी यादव और तमाम जो आरजेडी के दिग्गज हैं उनके भी आने की संभावना है।